इस गली में तो सीधी जा नहीं सकती ना। हाय एवरीवन, आज मैं गांव की गलियों में चलाने वाला हूँ एमजी ग्लॉस्टर ब्लैक स्टॉर्म फोर व्हील ड्राइव ट्विन टर्बो डीजल 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इस गाड़ी को मैं लेके गया था दिल्ली से दार्जिलिंग अपनी सोलो रोड ट्रिप पे, जस्ट वापस आया हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, ऊपर भी मिल जाएगा, आई बटन में थोड़ी देर में मिल जाएगा, अभी नहीं तो ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी गांव की गलियों में कैसे चलती है, चलो आपको चल के दिखाते हैं। रोड पे ज़्यादा देर गाड़ी को रोकना ठीक नहीं है और मुझे फुटस्टेप की आदत नहीं है, तो इसको चलाते हैं फटाफट। हम सीट बेल्ट लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हैंड ब्रेक डाउन करते हैं, ड्राइव में ठीक है घुसा दूंगा हम गलियों में और सीधा बम। गियर्स में क्रैक भी आ गया, ये हमें रास्ता बता रहा है, गाइड है। बस ये ऑटोमेटिक में ना मुझे ये दिक्कत है, थोड़ा सा जो ढीली होके चलती है ना, जैसे थोड़ा गैप ले लेती है, तो मुझे बस वो चीज़ नहीं पसंद। मतलब अपना गियर वेयर सेट करती है ना, बट मुझे गैप नहीं पसंद। आगे सेंसर है ना, इसका वो देखना पड़ेगा। एक सेकंड, आगे कुत्ता लग रहा है मुझे इसमें। आइडल स्टार्ट स्टॉप, भाई गांव का अपना थोड़ा ऐसा ही माहौल है। थोड़ा सा आराम से, अगर इनके बगल में खड़ी कर दूं ना मैं 10 सेकंड, ये गाड़ी इसकी हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे लोग। बच्चे को हम बाहर दूंगा पारा इसमें। चलो मैं दिखाना चाह रहा था फीचर, हालांकि मुझे तो नीड नहीं है। मोड़ पे हमेशा दोनों साइड देख के आराम से, ठीक है। पहले 360 ऑन कर लूं, कुत्ता हटेगा नहीं। हट गए। इस गली में तो सीधी जा नहीं सकती ना, मतलब रिवर्स मेरे को करनी पड़ेगी। आ रहा मजा, काफी दिन बाद देख रहे होगे ये वाली वीडियो।
इसका तो मौसम बनता है तब तक फिर पूछा जाता है। इस गलियों में भाई मैंने स्कॉर्पियो चला रखे 2-3 बार। वो वीडियो किसी को देखनी हो तो उस वीडियो का लिंक ऊपर है। छींटे नहीं उड़ाने ठीक है, बाकी खींचो। लगाना पड़ेगा क्या 4x4? अरे उतर जाएगी ऐसे ही बीच से ना, ठीक है बस। भाई मेरी ये गाड़ी जो मेरे पास है, अगर किसी को ना पता हो, कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा हो, तो मैं दिल्ली से दार्जिलिंग इस गाड़ी को लेके गया हूँ। तो उसके लिए मेरे चैनल को एक बार विजिट करें ना, ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ठीक है। डोंट वरी यार, मैं इन बच्चों को कुत्तों को अच्छे से देख लेता हूँ, तभी जब मेरे को लगता है ना कि हाँ क्लियर है तभी मैं आगे निकलता हूँ। हर जगह कुत्ते हैं, हर जगह। यहाँ करनी पड़ेगी क्योंकि वो बाइक खड़ी थी आज वहां पे, वरना वो साइड में कवर कर लेता हूँ। बिल्कुल सही है भाई, डबल चेक करने में ना कोई बुराई नहीं है, कोई तुम्हारी मर्दानगी पे चोट नहीं पहुंचती है। एक बार उतर के देख लेने में, किसी से पूछ लेने में, गर्दन बाहर निकाल लेने में, 2 बार अटेम्प्ट करके निकाल लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब किसी को डराना भी नहीं है भाई, कंप्लेंट चली जाएगी घर पे। से खा गया उसका पैर लचका। ब्रेकर नहीं कुदाता मैं, इसलिए स्लो कर रहा हूं। स्टीयरिंग इतना स्मूथ है ना गाड़ी का, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, लगता ही नहीं कि 2500 किलो की गाड़ी को तुम ऐसे चला रहे हो। सोच रहा था किस तरफ से निकालूं। ठीक है, यहाँ थोड़े बच्चों का प्रकोप है, अपने तो है नहीं, बाकियों को तो वैल्यू है भाई उनके बच्चों की, हमें भी करनी पड़ेगी उनके, तो थोड़े धीरे ही। इसमें मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। डाउटफुल क्या है भाई यार, खुद पे कॉन्फिडेंस है और इतनी, जब मैं गाड़ी चला चुका हूँ तो क्यों नहीं निकलेगी। बस थोड़ा धीरे निकाल देंगे और क्या दिक्कत है। लो
आया गर्दन अंदर। ऐसी जगह पे 360 काम आता है, देखने के लिए कि बच्चे हटे कि नहीं हटे, क्योंकि गाड़ी ऊंची बहुत है भाई, साइड का अंदाजा नहीं रहता है। भाई ये गाँव का ना एक ही रीज़न है मेरे को यहाँ से, मतलब बस यही चीज़ नहीं पसंद, कोई भी चीज़, कोई भी व्हीकल, कोई कहीं भी पार्क कर रहा है। कितनी देर की वीडियो होगी? अच्छा इसकी स्क्रीन बंद कर रखी है। यहाँ तो खड़ा कर दिया भाई ट्रैक्टर, निकलवा रहा हूँ, आने दो गाड़ी। तो वो भी आने दो अब। गड्ढा था ना लगता गाड़ी को। पानी नहीं उछालना किसी पे भी। कुछ भी नहीं दिख रहा साइड में, ना मिरर में ना साइड में, अंदाजे से ही निकल रही है। बस बच्चों के पास थोड़ा सा आराम से रहता हूँ, क्योंकि बेचारे ये ऐसे ही होते हैं। बस आपको रोक ना ले मुझे, क्योंकि एक गली रिपीट हो रही है यहाँ पे, मतलब थोड़ी सी रिपीट होगी, पूरी रिपीट नहीं होगी, और वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो रही है, तो अब इसको ख़त्म करने वाले। मेरे ख्याल से जितना मज़ा आना चाहिए था ना आपको आ चुका है। यहाँ से थोड़ी अब आराम से लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार तेज़ ले जा चुका हूँ। यहाँ से मोड़ेंगे, यहीं पे तो घुसाई थी ब्रेजा की, जो थोड़ी सी हल्की सी ऑफ रोडिंग की वीडियो देखी थी ना आपने, यहीं पे डाल रखी थी अंदर। अभी ये मत कहना इसको भी डाल दो यहीं पे, वो नहीं हो पाएगा।
स्टीयरिंग रोटेशन अच्छी है यार गाड़ी की। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी प्लीज पूरी दिल्ली से दार्जिलिंग की सोलो रोड ट्रिप की वीडियो देख लो, बहुत अच्छी वीडियोज मैंने बना रखी हैं, सच में आपको पसंद आने वाली है, कहोगे कि हाँ ठीक ठाक बना रखी हैं। और इस वीडियो पे भी अपना कॉमेंट करके जाना, काफी दिन बाद मैंने गाँव में कोई गाड़ी चलाई है, वो भी इतनी लंबी चौड़ी आपने देख ही ली है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना कॉमेंट में ये वीडियो आपको कैसे लगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर कर देना किसी ऐसे इंसान के साथ जैसे ग्लोस्टर पसंद है और विलेज ड्राइविंग पसंद है मेरी। आप घुमा लें गाड़ी।